बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर आयोजित की जाए। उन्होंने औपचारिकता न करते हुए सीधे बैठक के एजेंडे पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर प्राथमिकता से काम करना है, खासतौर पर खेती को बंदरों से बचाने के लिए यथासंभव तकनीक का उपयोग किया जाए। हरेला पर्व पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इस दौरान बैठक में सोनप्रयाग, केदारनाथ धाम और गोविंदघाट, हेमकुंड साहिब रोपवे सहित विभिन्न प्रकरणों पर वन भूमि हस्तांतरणों पर भी विचार विमर्श किया गया है। सीएम ने टाइगर रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र और अन्य पर्यटन वन क्षेत्रों में भी पर्यटकों के बर्ताव के संबंध में गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेणु बिष्ट, अनिल नोटियाल सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। MKN न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट।